वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। स्कूल परिसर का एक फूल तोड़ने की सजा के रूप में कई चाटे मारे जाने व छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए आज कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि छात्रा की एक सहयोगी ने स्कूल परिसर में एक फूल तोड़ लिया था। प्रधानाचार्य को लगा कि ऐसा पीड़ित छात्रा ने किया है लिहाजा इसलिए उसकी पिटाई कर दी गई। यह मामला मेरठ किना नगर स्थित मंगूलाल सर्वहितकारी इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है। छात्रा व संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भीम आर्मी व गुलाबी गैंग के सदस्यों के साथ कमिश्नरी पर पहुंची पीड़ित छात्रा ने यह जानकारी दी। 1 बजे छुट्टी का टाइम था, जैसे कि सबकी छुट्टी हुई थी, जैसे सब साथ में चल रहे थे, तो एक लड़की मेरे बराबर में चल रही थी, तो उसने एक सूखा हुआ फूल था पेड़ पर, तो वो एकदम उसके हाथ से लगकर गिर गया नीचे, तो वो मेरे पाँव में गिर गया। चपरासी अंकल ने एकदम आवाज लगाई कि रुको, सब मतलब रुक गए वहीं पर। प्रिंसिपल सर आए, एकदम से उन्होंने समझा कि इसने तोड़ के एकदम गिरा दिया नीचे, कि एकदम से उन्होंने आके एकदम हाथ पकड़ लिया और मोड़ दिया और नाड़ पकड़ कर 2-3 चाटे मारे और नाड़ पकड़ कर ऑफिस तक लेकर गए। ऑफिस में जाकर उन्होंने मेरा मुंह भींचा और कहने लगे कौन सी जाति से हो। मैंने कहा जाटा। वे कहने लगे अच्छा चमार हो तुम, चमट तो तुम नहीं सुधरो कभी भी। तो ये देखिए हमारी बेटी के साथ जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, क्योंकि मैं गुलाबी गैंग का संगठन और हमारे जो भीम आर्मी के बच्चे हैं विवेक शुक्ला। फिर आपने कहा शिकायत करी, कितने तारीख की बात थी? 20 सैटरडे का दिन। क्या आपने कहीं फिर इसमें लिखित शिकायत करी थी? क्या हुआ? हम गिरफ्तारी चाहते हैं, हम चाहते हैं गिरफ्तारी चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं। स्कूल का क्या नाम है? इंटर कॉलेज। सर्वहितकारी इंटर कॉलेज। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 9th। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ। गुलाबी गैंग की प्रदेश कमांडर उषा चिनोट ने यह कहा। गुलाबी गैंग की उत्तर प्रदेश कमांडर हूँ उषा चिनोट, और मैं इस बेटी का साथ दूंगी, क्योंकि हमारी जातिवाद जो उठाया जाता है समाज में, कोई भी जाति धर्म हो, तो ये हमें कहाँ इंसाफ मिला है? जो कि हमारे बाबा साहब जी ने हमें इंसाफ दिया था जीने का, तो कहाँ है हम सुरक्षित, कहाँ हमारी बेटियाँ हैं? क्योंकि अभी जातिवाद में एक घटना हुई है बच्चे के साथ में, तो मौत के घाट उतर गए, और अब इस बेटी के साथ जो मार पिटाई हुई है, तो हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। अगर उसे गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम ऐसे ही रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उनकी काफी समय आ गया है, तब से क्यों चुप हैं जी? कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने हमें दिलासा देते हैं थाने में, कह रहे हैं कि अभी गिरफ्तार होंगे, हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। ये भीम आर्मी से भी सभी संगठन से कोई एकता है, मानवता जी। मैं यहीं से हूँ आनंद हॉस्पिटल से, मैं गुलाबी गैंग की उत्तर प्रदेश कमांडर उषा चिनोट। उषा चिनोट, आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और या वो माफी मांगे, क्योंकि इसे इंसाफ दिलाना लड़की को। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सूद ने यह जानकारी दी। क्या नाम आपको? मेरा नाम विजेंद्र सूद है, मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष, और मेरे बड़े भाई, मेरे पितातुल्य आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष, और सारी सामाजिक संगठन है, सभी लोग हमारे साथ हैं। अभी कुछ समय पहले जो किना नगर गाँव के अंदर एक स्कूल है, उसमें हमारे समाज की एक बेटी उसमें पढ़ती थी, उसे जो वहाँ पर एक फूल तोड़ लिया गया, और फूल तोड़ने के बाद उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि जातिगत आधार पर उसे मारा गया, पीटा गया, और उसे इतना अभद्र व्यवहार किया गया। वो लड़की आज भी बहुत मानसिक रूप से बीमार है, और वो ये महसूस कर रही है कि ये देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमारे साथ आज भी इस प्रकार की जो भावनाएं गठित हो रही है, हमें नहीं लग रहा कि हमारा समाज आज़ाद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आज सारे सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन है, सभी का प्यार सहयोग मिल रहा है, और सभी लोग इस बहन की लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल अग्रसर है, और हम नए दिलाए के रहेंगे जिस प्रिंसिपल ने इस बहन के साथ इस प्रकार की अभद्र व्यवहार घटना की है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना आगे भी ना घटे, हम उस प्रिंसिपल की इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और वो जेल जाए, भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। शुक्ला साहब, विवेक शुक्ला। विवेक शुक्ला। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।